kill people. फ्रैंक फिनिक्स, जिसका अल्टरनेट टाइटल है 100 बुलेट्स, ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी है। 5 साल पहले फ्रैंक फिनिक्स ने एक फर्म को लूटा था। उसे अपने ही दल ने धोखा दिया और चोरी किया गया सोना कभी नहीं मिला। तो इस घटना की वजह से कोई है जो बदला लेने की कोशिश कर रहा है। अब वो कौन है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दोस्तों, मूवी की स्टोरी मुझे पसंद नहीं आई और इसका एग्जीक्यूशन भी मुझे खराब लगा। डायरेक्शन बिलो एवरेज है और परफॉर्मेंसेस भी अच्छे नहीं थे। मूवी को जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है वो आपको हमेशा इरिटेट करता है और एक भी कैरेक्टर आपको पसंद नहीं आता। कैरेक्टर्स को डेवलप नहीं किया गया है और ये मूवी आपको कहीं पर भी थ्रिल नहीं कर पाती। इसकी प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी कम लग रही थी लेकिन स्क्रीन प्ले डिसेंट था। सिनेमाटोग्राफी भी मुझे पसंद नहीं आई लेकिन हिंदी डबिंग अच्छी है। इसमें कुछ एडल्ट सीन्स है तो आप इसे फैमिली के सामने नहीं देख सकते। प्रो ऑडियंस को ये ज़रा भी पसंद नहीं आएगी। ओवरऑल दोस्तों, ये एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मूवी है जिसे आपको नहीं देखना चाहिए। मैं इस मूवी को दूंगा 2/10।